ये रहा जल, सबसे ऊटपटांग तो था भारी जल, भारी जल को अंग्रेजी में हैवी वाटर, फॉर्मूला D2O। उसके बाद क्या होता है? कठोर जल, हार्ड वाटर। उसके बाद होता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। और उसके बाद आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। ये तो परमाणु रिएक्टर में यूज हो गया। D2O किस में यूज हुआ? परमाणु रिएक्टर में। ये हो गया H2O, H2O। ये मृदु जल में H2O प्लस सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम। ये भी है भाई कठोर जल। इसमें भी जल के अलावे और भी चीजें मिली रहेंगी कि नहीं मिली रहेंगी? इस ससुरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहाँ तक तो अच्छी चीज है, कैल्शियम मिला रहे तो अच्छा चीज है, मैग्नीशियम मिला रहे तो अच्छा चीज है। खराब क्यों हो जाता है तो समझिए दें। इस ससुरा का कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आ जाता है। क्या आ जाता है? बाइकार्बोनेट। क्या आ जाता है? बाइकार्बोनेट। यही गड़बड़ कर देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से कोई प्रॉब्लम है? लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है? बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम से हमें प्रॉब्लम है? लेकिन ससुरा कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने आए कोई दिक्कत नहीं है, अपन रिश्तेदार लेके आ जाता है बाइकार्बोनेट। क्या ले आ जाता है? बाइकार्बोनेट की खराबी होती है बाहर की चीज़ों को सोख लेता है। अगर इसमें आप साबुन डालेंगे ना, तो साबुन पानी तक पहुंचने से पहले आधा कैल्शियम सोख गया, कुछ मैग्नीशियम सोख गया, अब बाकी बचा दबा के सोख गया कौन? बाइकार्बो। तो इतना झाग देने चाहिए तो इतनी सा झाग देता है, तो कभी कभी साबुन झाग नहीं देता। तो देखिए, अगर पूरा रगड़ेंगे ना तो उसके ऊपर नीला नीला दाग हो जाएगा कपड़वा पे, झाग नहीं देगा, तो फिर बरस मारना पड़ेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर सल्फेट जुड़ गया, क्या जुड़ गया? सल्फेट। और खचरा होता है, जब आप इसे खौलाइएगा कठोर जल को, तो खौलाने के टाइम कठोर जल में वाइट 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 कुछ जल जाता है, जम जाता है, वो या तो बाइकार्बोनेट है, या तो सल्फेट है, या तो क्लोराइड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम लोग जो पानी पीते हैं खरीद के, वो क्या है? सॉफ्ट वाटर। उसमें भी पार्टिकल मिले होते हैं, लेकिन अच्छे पार्टिकल मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? अच्छे पार्टिकल। अच्छा, हम पार्टिकल पर मिलियन की अगर बात करेंगे तो इसका भी 0 PPM होता है, पीने वाला पानी 150 PPM होता है, और भारी जल जो होता है या वर्षा का जल 250 PPM। अब पार्टिकल पर मिलियन यानी 10 लाख में बाहरी कण कितने हैं, ये हम लोग गिन पाएंगे? नहीं, हम लोग तो तौलने वाला आदमी है। तो इसमें बाहरी कण की संख्या बताओ बाबू। 0। तो 0 mg/L, 0 mg। दवाई वगैरह को किस में नापते हैं? mg, मिलीग्राम। वो क्या तौलबे ना करते हैं? डॉक्टर लिखते हैं ना 50 mg, 20 mg, 650 mg। हाँ, बड़का इतना होता है, समझा? 50 mg का टिबलेट इतनी चुकी होता है। mg क्या है? मिलीग्राम। क्या है? मिलीग्राम। ये होता है आपका 60 mg/L। ये कितना होता है? 60 mg/L से ज्यादा। इसमें तो बाहरी कुछ भी नहीं मिलाते, इसमें बाहरी कुछ नहीं मिलाते, भारी